फ्रेंड्स, फूडी मूडी विद दीप्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एग करी की रेसिपी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा आलू, जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। चार अंडे चाहिए जो बॉयल है। एक बड़ा प्याज का पेस्ट, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, दो तेज पत्ता और थोड़ा जीरा, एक बड़ा टमाटर, तीन हरी मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च रंग देने के लिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक स्वादानुसार। सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम करने के लिए चढ़ा देंगे। ये सरसों का तेल है। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम एग को डाल देंगे। अंडे को थोड़ा सा उलट पलट कर लेंगे। मेरे पैन में अभी भी थोड़ी स्पेस है, तो इसमें मैं आलू भी ऐड कर लूंगी और आलू को भी साथ में फ्राई कर लूंगी। अब इसको थोड़ा सा उलट पलट कर लेंगे। आलू और अंडे को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक वो थोड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आलू और अंडे गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम इसी कढ़ाई में अब हम थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे। ऑयल के गरम होते ही इसमें हम तेज पत्ता और जीरा ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज को हमें 1-2 मिनट के लिए भूनना है, जिससे प्याज का हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए। एक दो मिनट हो गया हमारा। अब इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब हम इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और इसे भी 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। ये अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम अपना टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए।
मसाला हमारा कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारी करी है वो अच्छी नहीं बनेगी। मसाला लगभग अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम अपना आलू ऐड करेंगे जो फ्राई किए हुए हैं। आलू के साथ इस मसाले को हमें अच्छे से कोट करना है और 1-2 मिनट के लिए भूनना है। एक दो मिनट हो गया हमारा, इसको अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे हम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर हमें 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है, जब तक आलू थोड़ा कुक सॉफ्ट ना हो जाए। हमारे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसके बाद हम अपने अंडे को ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में ही गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे करी में अच्छे से मिक्स हो जाइए। अब इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए हमें दोबारा कुक करना है। 2 से 3 मिनट हो गए हमारे, आलू भी हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं, एग करी बन के तैयार है। अब इसे हम ठंडा करके सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।